मैसेल्फ हरिशंकर मेघवाल, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक उदयपुर। आज हम डायपर और डायमंड डिज़ाइन में मुख्य क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, उनको बनाने से क्या क्या भिन्नता दिखाई देती है, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो डायमंड डिज़ाइन होती है वह जिगजैग ट्विल के प्रिंसिपल पे काम करती है, और जो डायमंड डायपर डिज़ाइन होती है वह हैरिंगबोन ट्विल के प्रिंसिपल पे काम करती है। अतः इन दोनों को बनाने का जो प्रिंसिपल है वो दोनों का अलग अलग है। डायमंड डिज़ाइन जिगजैग पे काम करती है और डायपर डिज़ाइन हैरिंगबोन ट्विल के प्रिंसिपल पे काम करती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जिगजैग ट्विल। डायमंड डिज़ाइन होती है जो कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल जिगजैग ट्विल का, लेकिन जो डायपर डिज़ाइन होती है वो कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल हैरिंगबोन ट्विल का। तीसरा पॉइंट आता है कि इनमें ड्राफ्ट कौन कौन सा यूज़ होता है। जो डायमंड डिज़ाइन बनती है उसको पॉइंटेड ड्राफ्ट से तैयार करते हैं, मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट के जाने के बाद वहाँ से वह रिवर्स होता है। पॉइंटेड ड्राफ्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के पश्चात वापस रिवर्स हो जाता है, तो ये पॉइंटेड ड्राफ्ट पे बनाई जाती है। और जो डायपर डिज़ाइन होती है वो स्ट्रेट ड्राफ्ट काम में लेते हैं बनाने के लिए, या ब्रोक्रम ड्राफ्ट। डायपर डिज़ाइन को बनाने के लिए हम दो ड्राफ्ट को यूज़ में ले सकते हैं, स्ट्रेट ड्राफ्ट या ब्रोक्रम ड्राफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। अब जो डायमंड डिज़ाइन होती है उसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो हॉरिजेंटल इक्वल कर सकते हैं या उसको वर्टिकल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि उसको इक्वल करते समय हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, जबकि जो डायपर डिज़ाइन होती है उसको हम दो इक्वल पार्ट में डायगोनल एक्सिस के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। डायगोनल और जो डायमंड होता है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और जो डायपर होता है उसको हम दो इक्वल पार्ट में डायगोनल एक्सिस में कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, जो डायमंड डिज़ाइन होती है वो सिमेट्रिकल होती है वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल, मतलब सिमेट्री होती है, एक दूसरे पर सिमेट्रिकली होती है। और जो डायमंड डिज़ाइन होती है डायमंड डिज़ाइन वो या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल एक्सिस में सिमेट्रिकल होगी, और जो डायपर डिज़ाइन होगी वो डायगोनल लाइन के सिमेट्रिकल होगी, मींस डायगोनल का इस पार्ट का एक पार्ट और दूसरा पार्ट आपस में सिमेट्रिकल होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुख्यतः इसमें पांच डिफरेंस पाए जाते हैं। पहला इसका प्रिंसिपल, जिसमें डायमंड का अलग, डायमंड तो जिगजैग पे काम करता है और डायपर हैरिंगबोन पे। दूसरा पॉइंट होता है ये जो कॉम्बिनेशन है ये डायमंड डिज़ाइन का वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जिगजैग ट्विल का है, और जो डायपर का है वो हैरिंगबोन ट्विल का है। तीसरे में जो देखा हमने वो कि इसमें पॉइंटेड ड्राफ्ट काम में लिया डायमंड डिज़ाइन में, और डायपर के अंदर हम स्ट्रेट और ब्रोकन ड्राफ्ट काम में लेते हैं। हम डायमंड डिज़ाइन को दो इक्वली पार्ट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल बांट सकते हैं, और डायपर डिज़ाइन को हम इक्वली डायगोनल बांट सकते हैं। और डायमंड डिज़ाइन होती है जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस के सिमेट्रिकल होती है, और डायपर डिज़ाइन जो होती है वो डायगोनली एक्सिस के सिमेट्रिकल होती है। थैंक यू।